ये पीछे आप लोग जो जगह देख रहे हैं इसी पे अभी मेरा थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक स्पीच देने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लजीज़ लखनऊ। मेरा नाम है ऋषभ और मैं बनाता हूँ फूड रिलेटेड वीडियोस। हर बार फूड रिलेटेड वीडियोस बना बना के मैं थक चुका हूँ, तो अब मैं आ गया हूँ थोड़ा मतलब रियल फ्रूट्स पे आ चुका हूँ। तो इस बार मतलब हमारे लखनऊ में मैंगो फेस्ट ऑर्गेनाइज है, इससे पहले भी होते होंगे पर मैं कभी आया नहीं। इस बार मुझे मौका मिला है कि मुझे पता भी चल गया टाइम से, आज और कल है। आज कौन सी डेट है, आज 22 जून है, 22 और 23 को था तो मैं 22 को आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब वैराइटीज़ हैं मैंगोज़ की, काफ़ी ज़्यादा 100-200 मैं अंदर घूम कर आ चुका हूँ। और उसके अलावा काफ़ी अलग अलग मतलब जैसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं फार्मिंग से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों के बारे में है और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। अंदर बोल पाना बहुत मुश्किल है पर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा बोल पाऊँ और दिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो यार अब भाई समझ जाना, क्योंकि मैं अंदर बोलता हूँ ना तो ऐसा लोग सोचते हैं कि कौन ये शहरी बाबू आ गया है कि भाई फ़ोन लेके बातें और समझता नहीं लखनऊ में। तो ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा बोलने की और बाकी सब दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी तो ज़रूर बोलूँगा। सो अब चलते हैं अंदर। सो स्वागत करते हैं आपका लजीज़े टीवी में और हम आपको लेके चलेंगे मैंगो फेस्ट के अंदर। जैसे ही आप एंट्री लोगे आपको राइट साइड में बिलिंग कॉर्नर और लेफ्ट और राइट में आपको सारे मतलब स्टॉल दिखेंगे जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है। और सेंटर जो डोर है वहाँ पे आपको मैंगो की सारी वैरायटीज़ मिलेगी। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया था 200 या 100, लेकिन यहाँ पे 700 प्लस वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज़ हैं और एक ही फूड स्टॉल था, बाकी सारे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो, खरीद सकते हो और साथ ही साथ कुछ डेली प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हो वो भी मैंगो रिलेटेड मतलब मैंगो से मैन्युफैक्चर हुए वो भी मिलेंगे आपको और भी काफ़ी सारे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स थे। अब हम लोग ने अंदर थोड़ी एंट्री ले ली और काफ़ी सारे वैराइटीज़ ऑफ मतलब आम है, तो मैं एक बार वीडियो पे दिखा देता हूँ यार कितने ज़्यादा हर इतने सारे नाम है कि मुझे याद भी नहीं और दिखाने की सारी कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो हम ज़्यादा बोल तो पा नहीं रहे वीडियो में, लेकिन ठीक है, ये हमारा लखनऊ सफेदा है कैटेगरी और ये मेरा फ्रेंड है दिव्यान, ये मेरे साथ आया है। हमारे नेचुरल फ्रूट तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ जो प्रोडक्ट है मैंगो रिलेटेड वो भी सारे काफ़ी अवेलेबल है, जैसे अचार रिलेटेड और जैम रिलेटेड और अलग अलग हमारे आम पना और क्या क्या है शेक एंड ऑल, इन सब भी बॉटल अवेलेबल है। तो बस यही सब है यार, कुछ खाने आने का ज़्यादा इंतजाम नहीं। मैंने देखा यहाँ पर खाने को जो मिल रहा है वो मिल रहे हैं खस्ते समोसे, मतलब मैंगो फेस्ट में हम आ रहे हैं खस्ते समोसे खाने, तो मारी खा लेते यार। मेरा तो मतलब हमेशा ये रहता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई नहीं रहती, मैं आता हूँ बस रिकॉर्ड करके चला जाता हूँ। मालूम रहता है कि बहुत मज़ा नहीं आने वाला है, शाम को कोई स्टोरी टेलिंग या ये सब होने वाला है, पर उसका मतलब मैंगो फेस्ट से क्या लेना देना मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब मैंगो रिलेटेड कॉम्पिटिशन हो तो पूरे दिन भर चलें ऐसे हो, और इनके मतलब मैंने ये देखा तो अच्छा ठीक है, शिकायतें बहुत सारी हो गई, जैसा भी है ठीक है, किया तो कम से कम है ना। यस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये है हमारे लखनऊ मंडल के आम, ये है बस्ती मंडल के, ये है प्रयाग मंडल, ये है अयोध्या मंडल, कानपुर मंडल, इतने सारे मंडल मंडल हम लोगों ने देख लिए। अब तो यार आमों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मैं मतलब मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं, जो थोड़े बहुत नाम दिख रहे हैं उनके साथ मैं थोड़ा बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, डिटेल में क्या खुद पढ़ रहा हूँ खुद जान रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। सो अब देखते हैं जितना कुछ है, जो भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं, लखनऊ के फूड फेस्टिवल से मुझे समझ ही नहीं आता यार कैसे जा रहे हैं कैसे चलेंगे। ये पीछे आप लोग जो जगह देख रहे हैं इसी पे अभी मेरा थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक स्पीच देने वाला हूँ मैंगो रिलेटेड नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई ना कोई तो आने वाला है, देखते हैं कौन आता है। आप स्पीच देना चाहेंगे? नहीं नहीं, मुझे भूख लगी, मुझे खस्ता खाने का मन नहीं है मैंगो फेस्ट में। सो हमारे मैंगो फेस्ट में जो दूसरी साइड थी वहाँ पर ये काफ़ी सारे मैंगो की जितनी वैरायटीज़ थी वो पैक हो रही थी, आप पैक करा सकते हो फिर उन्हें ख़रीद सकते हो। और यहीं पर काफ़ी सारे और भी स्टॉल थे। पूरे फेस्ट में घूमने के बाद बस एक जगह मिली है जहाँ पर हमें कुछ ऑफर हुआ है, ये लीजिए सर मैंगो का सामान। हाँ वो भी है क्योंकि नहीं कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे ये अंकल है इन्होंने हमें ऑफर किया और ज़्यादा कुछ नहीं ऑफर मिल रहा है।
50 रुपए की अगर आम रिलेटेड आइसक्रीम खानी, वो भी 25 वैरायटी में, तो फिर आप यहाँ आ सकते हो। मतलब कुछ ही आम से रिलेटेड हैं जो आप चीज़ें खा सकते हो, तो उनमें से एक है। थोड़ा सा महंगा होगा तो भाई एडजस्ट कर लो। और ये हमारी वैरायटी संतरा खारस दिगंबर दिगंबर ओके सोनिया मसाला सोनिया माला सोनिया माला। हमें ऐसा कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे पीछे कुछ खाने आने को मिल रहा है, तो ट्राई करने जा रहे हैं। फाइनली कुछ खाने को मिला, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब वो कुछ ही लोगों को, लिमिटेड लोगों को मिले, तो चेकआउट करते हैं। मुफ्ता का खाना खाने के लिए काफ़ी लंबा जाना पड़ रहा है हमें, लेकिन देखते हैं मिलता है कि नहीं, और ये सब क्या क्या करना पड़ता है। पैसे दे सकते हैं, लेकिन फ्री में मिल रहा है तो खा लेते हैं, कुछ बुरा नहीं है, है कि नहीं दिव्यांश? मैंगो फेस्ट में फ्री का खाना बहुत दूर से। सो भाई, काफ़ी परिश्रम के बाद मुफ्ती का खाना मिल चुका है। तो यार मुफ्ती के खाने में हमें मिल रहा है बलूची का एक कद्दू की सब्ज़ी, बूंदी और पूड़ी, है ना। और ऐसा है कि मैंने पूछा छोला पनीर, तो छोला पनीर इन्होंने कहा पनीर का ऑर्डर दे दिया है, शाम को आके खा लेना। मैंने कहा ठीक है, मटर उगाने के लिए गए, सब शाम को मिलेगा। ओके, तो अभी मैं खाता हूँ, देखता हूँ। ओके यार, मुफ्ता का खाना जो हमने खाने गए थे, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा समझ आया नहीं, कुछ आलू थोड़े कच्चे थे, ज़्यादा खाया नहीं बिल्कुल, एक बाइट के बाद हमने वेस्ट करना पड़ गया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो ऑर्गेनाइज़र्स, जिन्होंने भी आईजीपी थोड़ा ऑर्गेनाइज किया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए हम सब आए इतना दूर से पैदल चल चल के, है ना, पैसे खाना तो हाँ मतलब पैसे दिए ही नहीं हमने। हाँ चलो फ्री का था, लेकिन तब तो हम ज़्यादा शिकायतें नहीं है, लेकिन अगर हाँ ठीक है, थोड़ा चाहे थोड़ा ही होता, सबको लिमिटेड देते, क्वालिटी मेंटेन कर। चलो वापस आईजीपी पहुँचते हैं, बहुत दूर तक खाने गए थे, अंदर ही अंदर कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने। अब वापस आते हैं, पानी पीते हैं, फिर यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है हमारा। सो आज हमारा साथ यहीं तक था, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग लजीज़े लखनऊ। थैंक यू सो मच।